इस समय जो यूक्रेन के हवाले से हमारे सामने आ रही है। पहली खबर यह है कि मारियोपोल में यूक्रेन का दावा है कि एक मस्जिद पर हमला किया गया है रूस की तरफ से। उस मस्जिद में उस समय 80 लोग मौजूद थे। मारियोपोल की यह खबर है जहां पर जंग लगातार छिड़ी हुई है। खार्किव मारियोपोल ये इलाके हैं जहां पर भीषण जंग चली है। अब यहां पर एक मस्जिद में हमले की बात है जहां पर 80 लोग उस समय मौजूद हैं जिस समय वो बम वहां पर गिरा है। इसके साथ ही जो कीव के जो बाहरी इलाके हैं यानी कीव सबर्ब्स जिन्हें हम कह रहे हैं उन इलाकों में जंग तेज हुई है। ये हम आपको कल से ही बता रहे हैं। बीती रात जब कीव के सबर्ब इलाके में ही रात में हम थे उस समय एक के बाद एक रात 10 बजे के करीब 3 बमों के गिरने की आवाजें आई थी और उसके बाद पूरी रात इस तरह की बमबारी चलती ही रही और इसीलिए उन इलाकों में रहने वाले लोग खासकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन क्या हमले की जद में कीव भी आएगा, ये सवाल सबको परेशान कर रहा है।